यहाँ पे अमर अकबर एंथोनी का शूटिंग हुआ था। देखो देखिए यहाँ ये लाइटिंग देखने के लिए आता है ना, तो आधा का लाइटिंग का वहाँ का फोटो खींचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये क्लिप मेरी जनवरी की है, 26 जनवरी को मैं, जैसे आप देख रहे हो, मैं मैसूर पैलेस गई थी। ये है मैसूर, और एक तो मैंने पॉइंट विजिट किया जो कि आप आगे वीडियो पे देखोगे। तो जैसे हम इंटर करते हैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, और ये है मैसूर पैलेस का मेन गेट। यहाँ से हमने टिकट लिया, फिर एंट्री किया। सारे चेकिंग होने के बाद सेफली हमने हैंड सैनिटाइज किया, और अंदर आने के बाद ये हमारा मैसूर पैलेस यहाँ से बाहर से इस तरह से दिखाई देता है। जैसे आप इससे आगे जाओगे, शूज़ के लिए काउंटर बने हुए हैं। झोले पे आपको सबसे पहले शूज़ काउंटर पे रखना होगा। उसके बाद हम यहाँ से इंटर करेंगे महल, और जैसे हम महल इंटर करते हैं हमारा इस तरह से सामने तोप रखे हुए जिससे स्वागत होता है, और ये है राजाओं का रथ जहाँ पे सजते हैं। रथों के ऊपर जो रखे जाते थे, जहाँ राजा महाराजा बैठ करके अपनी सवारी लेके जाते थे। और यहाँ का ये आई थिंक दंगल वाला एरिया है जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती थी, और ये सब इस तरह से बने हुए हैं सारे हैंड से पेंट। और यहाँ का ये मेन दरबार है अंदर में, जहाँ इस जगह पे बैठ के दंगल राजा लोग देखते थे। और यहाँ के ये राजा रानी जो कि हैंड से काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग इनकी बनाई हुई। सुंदर सुंदर डिजाइन के संदूक है। और जैसे दंगल का आप लोगों ने सामने से देखा, और यहाँ राजाओं के सिंहासन है, हाथीदांत से बने की फोटोज लगी हुई है। बाल बना रही हूँ का आईना में ड्रेसिंग यूज कर लो। काफी खूबसूरत और बारीक नकाशियों के यहाँ के सारे डोर है, और यहाँ आई थिंक जनता दरबार लगते थे। राजा इधर अंदर के साइड बैठते थे और जनता दरबार पब्लिक बाहर। ये छोटा सा महल है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम लोग मैसूर पैलेस से निकल गए और फिर हम चल पड़े वृंदावन गार्डन की ओर, जो कि काफी क्रेज था वहां पे। अगर आप दशहरे के टाइम पे आते हैं मैसूर विजिट करते हो, तो यहाँ लाइटिंग देखने लायक रहती है, काफी अच्छी डेकोरेशन होती है। और हम तो 26 जैन को गए थे तो थोड़ी बहुत लाइटिंग हमें दिखाई दी है, और रात में मैसूर कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद हम चले गए वृंदावन गार्डन। ये सामने आप देख रहे हो ये चर्च है, यहाँ हम विजिट नहीं कर पाए। ऐसे मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ, मैसूर आ चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ मूवी की शूटिंग हुई थी अमिताभ बच्चन की शायद। तो इस तरह से मैसूर का नज़ारा है नाइट में।
और वृंदावन गार्डन के ये देखो पार्किंग एरिया है, काफ़ी क्रेज है यहाँ पे। वृंदावन गार्डन को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और नाइट पे यहाँ पे लाइटिंग शो होती है एक्चुअली, इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं। वृंदावन गार्डन का क्रेज दिखाती हूँ, ये देखो इतने सारे लोग सारे अभी वृंदावन गार्डन के अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेला लगा हुआ है और ये है वृंदावन गार्डन। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है। ये सीन बहुत अच्छा है ना, ये वाला। आप अगर वृंदावन गार्डन आते हैं तो बाहर से आप अपने लिए स्नैक्स ले लीजिए, क्योंकि अंदर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्राइस होते हैं। जैसे कि आप एक कोल्ड ड्रिंक्स लो, उसे चिल्ड करने के लिए 5 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है, तो बेहतर होगा बाहर से ही अपने सारे स्नैक्स वगैरह पकड़ के आप बाहर अंदर आके एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि ये देखा हुआ था, और एक्चुअली नाइट में बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चे लाइटिंग शो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। देखा यहाँ पे, एंजॉय किया, ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटा यहाँ पे रुके थे, फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। और मैसूर से बेंगलोर ऑलमोस्ट 3 घंटे लगते हैं, तो हम लोग इंजॉय करते हुए अपने घर वापस। अगर आपको मेरी वीडियो